आज सोमवार को चिड़ियाघर में सर्वपित्र अमावस्या पर अनोखा आयोजन किया गया। दरअसल ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज और संस्था करुणा सागर के राजू सागर आज चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को उनकी पसंद के फल और अनाज खिलाएंगे। राजू सागर, मोहन सागर, अशोक सागर, संदीप सागर और पुष्पक सागर, करण सागर, मनाल सागर ने बताया कि संस्था पिछले कई सालों से यह आयोजन करती आ रही है। इसके लिए करीब 100 किलो से अधिक सेव फल, केले, चीकू सहित अलग अलग अनाज चिड़ियाघर के पशु पक्षियों के लिए रहेंगे। ज्ञात रहे कि संस्था करुणा सागर पशु पक्षियों के लिए सदैव ही नेक काम करती रहती है। पति वो आना चाहिए कि ये मानव धर्म है कि भैया क्या नाम था, अपन इनके भी थोड़ा सा ख्याल रखें। ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ के जो जंगली जीव है ये तो अपने जंगल के हिसाब से निर्भर रहते हैं, लेकिन तोते कबूतर जो भी जो रहते हैं ये मानव के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो मानव धर्म ये रहता है कि अपन इनके ऊपर जब ईश्वर ने अपनों को बनाया है इनके लिए, तो हम भी उसके प्रति थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वो जो भी कुछ निर्भर है वो इंसान के ऊपर ही निर्भर है। तो हम हमारी भावना के हिसाब से अभी हमने हमारे पिताजी के उठाने में भी इसी प्रकार का अनाज का वो करा कि आप अनाज चढ़ाओ, फूल चढ़ाते हो वो फेंकने में आ जाते हैं, तो ये अनाज परिंदों के काम आएगा। बिस्किट विस्किट चढ़ाओ आप, क्रीम के बिस्किट चढ़ाओ तो बच्चों को, गरीब बच्चों को चार देने में आएगा भाई, उसकी भी आस्था रहेगी। आप फूल चढ़ाते हो, फूल फेंकने में आ जाते हैं, फूल का क्या उपयोग है। व्यक्ति अगर जू में डोनेट करना चाहे, चाहे कोई भी फूड ग्रेन हो फल फूल, तो एक्चुअली हमारे सेंट्रल जो अथॉरिटी की गाइडलाइन है, उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है, उसके तहत हमारे सेंट्रल जो अथॉरिटी की गाइडलाइन के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी एनिमल को डायरेक्ट हैंड फील नहीं करा सकता।